मैं शहबाज शेख, डिस्ट्रिक्ट अमरावती, गांव खोलापुर। मेरे साथ है ऋषि भैया जैन। खोलापुर गांव में हम दोनों पहले उदासी साहब के तंत्र से खेती करने वाले हैं, और पिछले साल हमने उत्पन्न भी लिया। इस साल हमारे दोनों के भी प्लॉट, पूरे प्लॉट सोयाबीन कॉटन के सर के तंत्र से है। अभी आए हम दरियापुर तालुके के असदपुर में हमारे पंचवटे भाव के साथ में। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बोलिए? कमलाकर शंकर राव पंचवटे, राहना रसदपुर, तालुका अचलपुर, जिला अमरावती। ये आपका जो प्लॉट है कॉटन का, ये किसके तंत्र से है? उदासी साहब के तंत्र से है। 12 जून की लागवड़ है। हाँ, ये साहब के तंत्र से मैं अगर 4x3 करता था, हाँ, तो इससे भी बेहतरीन प्लॉट रहता था, लेकिन गलती मेरी हो गई, 4x2 से प्लॉट डाला मैंने। अभी तक मतलब आपने इसको 2 ड्रेंचिंग किया तंत्र के हिसाब से? तंत्र की पूरी कंप्लीट फवारनी हो गई? हाँ, पूरी 5 फवारनी हो गई। भाइयों, अभी हम ये पंचवटे साहब के खेत में एक कॉटन के झाड़ की मोजनी करेंगे, क्या इसको फूल पाती और बोन कितने हैं। लो भैया, सब जन आइए। थोड़ा जोर से बोल दो, भी अच्छा निकल जाए। नहीं, 7, 8, 9, 10 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 67, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
देखो एक झाड़ को 200 अभी पक्के बोन फूल पाती कम से कम बोन तो होंगे इसको पक्के 100 के नजदीक बोन है और फूल पाती मिलाकर ऐसे पूरे 200 है और अभी और माल लगना चालू है फुटवे चालू है और फूल को भी बोन लग गया सर ये और सबसे ज्यादा सर जो बोलते हैं कि मेरा अद्भुत कमाल है तो ये देखो ये खोड़ के ऊपर बोन लगना चालू है और 15 दिन एक सरी की बारिश होने के बावजूद ये जो सड़े ये अलग ये फ्री में गया ऐसी ये गली हुई क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं साहब के तंत्र के बारे में साहब का तंत्र 1001 टक्का सक्सेस है साहब के तंत्र के सिवा खेती भी करना बेकार है मेरे अनुभव के हिसाब से आपका प्लान है हर बार लगाने का ये कॉटन निकल के मैं चना बोऊंगा हाँ चना भी उदाजी सर के तंत्र से ही बोऊंगा ऐसा कुछ नहीं है और देखो किसान भाई हमारे साथ है इन्हीं के गाँव के मयूर भैया मयूर भैया भी साहब के तंत्र से अभी उन्होंने पंचवटे भाव से समझो एक महीना पहले से पंचवटे भाव उनको गाइडेंस कर रहे तो मयूर भैया ने भी 2 स्प्रे किए मयूर भैया आपका प्लॉट कैसा है स्प्रे करने के बाद आपको रिजल्ट मिला हर साल से तो अच्छा ही है हाँ लेकिन मेरी जो पिरनी हुई हाँ वो तंत्र के हिसाब से नहीं हुई क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई तंत्र है हाँ हाँ लेकिन जब पता चला उसके बाद मैंने जब उदासी साहब का मेरा पहला स्प्रे आया तो मेरे पूरे स्प्रे चारों के चारों स्प्रे मेरे उदासी साहब के हिसाब से पंचवटे भाव
आपको क्या मयूर भैया कोई फीस वीस देते, आप इनको गाइडेंस करते तो? और कभी साहब ने, उदासी साहब ने आपको बोले कि मेरे तंत्र से आप इतना उत्पन्न निकालेंगे, इतनी अच्छी कॉटन है? कुछ भी नहीं सर, आने जाने की टिकट भी नहीं, आने जाने की टिकट भी नहीं मांगते भाव तो। हाँ तो सर के बारे में आपका मनोगत क्या है? सर के बारे में मनोगत ऐसा है कि वो भगवान से भी बड़े हैं मेरे लिए। मैं तो भगवान को मानता नहीं, फिर भी बोल रहा है कि भगवान से भी मेरे लिए बड़े शेतकरी। जैसा बाप लड़के का फुकट का नौकर रहता, ऐसे ही शेतकरी के फुकट के नौकर है उदासी साहब। बस किसान भाई, उदासी साहब के लिए और तंत्र के लिए एक बार तालियां बजाओ। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये देखो जैन साहब।